हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं शेख हमदान का ऑफिशियल चैनल दुबई मीडिया ऑफिस। तो शेख हमदान का चैनल अब हिंदी, इंग्लिश, अरबी, तुर्की, रशियन, फ्रेंच सारी भाषाओं में अवेलेबल है। और देखिए, यहाँ पर दुबई में लगातार मीटिंग होती ही रहती है, तो हम आपको कवरेज करा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको दुबई जाने का मौका भी मिलेगा लकी ड्रॉ में। तो देखिए, दुनिया भर से आए हुए फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर दुबई में आते हैं और यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा चाइनीज़ इन्वेस्टर, जापान इन्वेस्टर, दुनिया भर के सारे लोग दुबई में आना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। दुबई बीते 20 सालों के अंदर में दुनिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। और देखिए, सारी दुनिया से आए हुए लोग यहाँ की कॉन्फ्रेंस को ले रहे हैं और अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो दुबई बिल्कुल अलग तरीके का है। मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने ही दुबई को काफ़ी अलग बनाया है और दुबई को काफ़ी अलग तरीके का लेकर गए हैं। देखिए, शेख मोहम्मद रशीद बिन अल मक्तूम के बेटे मोहम्मद बिन मक्तूम भी बैठे हुए हैं और लगातार लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। तो दुबई अपने लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम भी करता है और लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए, मीटिंग हो रही है। तो आप लोगों ने दुबई में, तो दुबई पूरी दुनिया में सबसे फास्टिंग ग्रोइंग कंट्री है। उसके अलावा शेख रशीद अल मक्तूम के बेटे शेख हमदान से काफ़ी ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, उनके सोशल मीडिया की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। और देखिए, लगातार मीटिंग करें। शेख हमदान महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा इज्जत देते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सराहना भी करते हैं। और देखिए, शेख हमदान आ चुके हैं समिट में। लगातार यहाँ पर समिट होती ही रहती है और पूरी दुनिया भर से आए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो शेख के पास इतना पैसा है कि कई देशों की इकोनॉमी मजबूत हो जाए। तो देखिए, रिटेल समिट यहाँ पर चल रही है और लगातार लोग पैसे इन्वेस्ट करने की बात ही कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर प्रोजेक्ट चलते ही रहते हैं। तो दुबई बिल्कुल अलग तरीके का देश है और दुबई के लोग भी अलग तरीके के हैं। दुबई से शेख से मिलने के लिए पूरी दुनिया के बड़े बड़े राजा भी तरसते हैं, इनके अपॉइंटमेंट के बिना लोग मिल नहीं पाते हैं। तो शेख रशीद, देखिए, शेख रशीद तो यहाँ मौजूद हैं ही। उसके अलावा शेख हमदान पूरा काम धाम देख रहे हैं। उसके अलावा म्यूजिक सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली होती है वो पहले दुबई में ही लॉन्च की जाती है, या अमेरिका में लॉन्च की जाती है या दुबई में लॉन्च की जाती है। तो देखिए, शेख हमदान प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं और लॉन्चिंग के लिए अप्रूवल उन्होंने दे दिया है। और देखिए, यहाँ का फ्यूचर प्रोजेक्ट किस तरह का है। दुबई का डेकोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अलग देखे। पूरे देशों का झंडा यहाँ पर लगाया गया है जिसको खड़े होकर लोग सलामी दे रहे हैं। और ये देखिए, दुबई की पुलिस में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो दुबई की पुलिस बिल्कुल हाईटेक है। आप लोगों ने कार वाला वीडियो देखा ही होगा। उसके अलावा जापान के इन्वेस्टर यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपनी नीतियों को लगातार बता रहे हैं। वी आर अवेलेबल इन फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, मैंडेरिन एंड स्पेनिश एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस। सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर द चैनल। देखिए, मीटिंग लगा शुरू हो चुकी है और सारे देशों से आए हुए एम्बेसडर बारी बारी अपना इंतजार कर, सबको लंच पैकेट भी मिल चुका है। तो दुबई वाले अपनी मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। और देखिए, एक जापनीज एम्बेसडर यहाँ पर प्रस्तुति दे रही है। उसके अलावा दुबई का एम्बेसडर, तो दुबई वाले पढ़े लिखे भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। और शेख रशीद ने, देखिए, इनको गिफ्ट देकर सम्मानित किया। अपने मेहमानों का काफ़ी अच्छे से स्वागत भी करते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए।